अरे यार चीटिंग करी है हमारे साथ। ऐसे बैठा वर्मा स्पैंग कर रहा है। मेरे गॉसिप्स ऑफ आईआईटी यार। टेस्ट से पहले एक टेस्ट की लिस्ट आती है जो बच्चे टेस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो मेरे को तो उसमें ही निकाल दिया। टेस्ट के लिए भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया, तो अब देखते हैं आगे करते हैं कुछ यार। फ्रैक्टल में तो हमने अप्लाई नहीं करा, लेकिन एक बड़ी चीज़ हमें अभी सता रही है। कुछ महीने पहले हम क्रिप्टो मार्केट से अलविदा कह चुके थे अपना शानदार डॉज का परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन अभी वापस शिवा ने हमारी एक आस जगाई है। जी, तो उसी पे भी ध्यान रखा जा रहा है, पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अपना, कि तुरंत खींचे इंट्राडे कर दें आज की आज ही, तो उसी में लगे हैं हम बिल्कुल। अभी अब देख सकते हैं कि हमारे पार्टनर साहब है, उन्होंने हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से रोका, वरना आज हम लखपति होते। कुछ नहीं, एक्सेस की नहीं पता है हमें, और पेपर देने जा रहे हैं। साइन शुरू हो चुका है पेपर का, एक्सेस की ढूंढ रहे हैं। तो बुंगला जी, हमारे कौन से जो शॉर्टलिस्ट हुए फ्रैक्टल के लिए, टेस्ट के लिए? देखिए, क्वांट होता तो मैं सोचता भी, लेकिन कोडिंग आई है तो का कोई मतलब कोई वो नहीं, व्यर्थ ही है एकदम। अबे यहाँ एक्सेस की नहीं पता है यार, ये पता नहीं क्या करवा रहे हैं। चेहरे पे गंभीरियत देखी। अरे बोलो उससे बोलो जरा, एक्सेस की भेजे कुछ। ये हमारे डीपीआर आ चुके हैं सहायता करने। सहायता क्या, मेरा खुद पेपर है। प्रोफिशिएंसी क्या है मेरी? आर्किटेक्चर लिख देता हूँ, इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं है। अबे आईडी कार्ड भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं है। एटीएम कार्ड निकाल रहा है, अपना पैन कार्ड निकाल रहा है। अभी अभी हम कोडिंग का सबमिट करके आ रहे हैं पेपर, बाकायदा 5 मिनट भी नहीं लगा, ओपन करते ही हमने उसको रन कर दिया प्रोग्राम, फिर उसने टेस्ट केस में एरर दे दिया, तो हमने बोला अब नहीं करेंगे हम। बड़े दिन बाद कोई पेपर दिन में हो रहा है, और हर्ष और उल्लास का माहौल है, और जा रहे हैं इसी ऊर्जा के साथ और ओरोनोवा फॉर कंसल्टिंग का पेपर देने। लानी निकल चुके हैं और ओरोनोवा का टेस्ट देने। क्या आएगा सोनी पेपर में? देखिए मैं तेरे से पूछ रहा था क्या आएगा, तेरे को कुछ आइडिया नहीं है? मतलब क्या है, मतलब क्या आएगा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं क्या आएगा, कुछ एप्टीट्यूड वगैरह क्या होता है। तो जनरल कैसा पेपर गया आपका ओरोनोवा का? हो सकता था और अच्छा किया जा सकता था। नहीं अभी हम ये क्या बोलते हैं, ये अपने क्रिप्टो का वो देख रहे हैं रेट कितना चल रहा है अभी, काफी नुकसान में जाने की उम्मीद में है। हमने लगाए थे 2-2.5 हज़ार लगाए थे, इस वक्त हम बड़ी धनराशि का हम सोच रहे हैं इन्वेस्ट कर देंगे और बड़ी धनराशि बनाएंगे। इससे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा आ रहा है ना, वो इस बात पे आ रहा है क्योंकि 25 मिनट आने में लगते हैं प्लेसमेंट ऑफिस, और 25 मिनट जाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। टेस्ट दे के आए हैं प्रेम, कैसा गया टेस्ट? ठीक है, हो गया। पहला सेक्शन तो थोड़ा डूएबल था। दूसरे सेक्शन में ऐसा लगा कि यार दिमाग में दीमक लग गया है क्या। प्रोबेबिलिटी के तब भी क्वेश्चन होंगे, स्टैटिस्टिक्स नहीं उठती यार, पता नहीं क्या क्या पूछा गया था उसमें। ओवर मतलब ठीक है वैसे, मतलब जितना आता था उतना तो कर ही दिया है। अब देखते हैं, अब इसका रिजल्ट के बाद आपको बताएंगे दर्शकों कि कैसा कैसा क्या रहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, वेल्स फार्गो की लिस्ट आई है, मतलब उन बच्चों की जो पेपर दे सकते हैं, और गेस व्हाट, एक बार फिर से मैं और मेरे सहपाठियों को। जिंदल, लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? अरे यार चीटिंग करी है हमारे। देखिए पहले तो बड़े भारी मन से हमने कहना पड़ रहा है कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अभी हमें पता चला कि जिनकी सीजी 8 से ऊपर थी और उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और हमें निकाल दिया गया है। तो भैया बात यह है कि इन एनी केस हमारा तो वैसे भी नहीं होना था, हमारी तो सीजी भी साथ ही है और भी अच्छी नहीं है, तो शायद इसलिए वो बेड पे ऐसे बैठा वर्मा स्पैंग कर रहा है। जो लौंडो को दिखा रहे, लौंडे खुश हो रहे थे, लौंडे वो सब ठीक है भाई। तिवारी मेरे को पता, तुमसे तो उम्मीद थी, तुम आज का पेपर अच्छा कर सकते थे क्योंकि उसमें नहीं हुआ ना शॉर्टलिस्ट। अरे वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो तुम्हें तो बुरा लगना चाहिए क्योंकि आज का पेपर मुझे लगता है तुमने तुम्हारा तो हो। अरे भैया इतना हमको टेस्ट नहीं देना यार, प्लेसमेंट में बहुत टाइम जाता। करना क्या है, ना है नहीं कहीं। अरे भाई अब सब में यही बोलेगा क्या? नहीं नहीं, बाद में नवंबर में एंड में आएंगे ना साले। दूसरे ब्रांच वाले रो रहे, उनके क्रेडिट खत्म हो गए, सही बता रहा हूँ, और हमारी ब्रांच वालों के 90+ लेके बैठे। अरे वर्मा मैं पेपर दे के आता हूँ, मेरे क्रेडिट बढ़ जाते हैं। कल इतने लोग रोए ना ग्रुप पे, इतने लोग रोए कि भाई क्रेडिट दे दो, क्रेडिट दे दो, क्रेडिट खत्म हो गए, हम तो अप्लाई नहीं कर पा रहे। गॉसिप्स ऑफ आईआईटी यार। उनको बोलो मेरे को मैसेज करें, मैं
ऐसा होना चाहिए, लोन ले सकते हो किसी दोस्त से। हाँ। तो यार मैं देख रहा हूँ मेरे क्रेडिट कम ही नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। मैं 8 में अप्लाई कर चुका हूँ, मेरे अभी भी 88 है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अभी भी रो रहा है। इससे तेरा क्या है, इससे तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। काफी सारी चीज दिमाग में आ रही है अभी, सबको एक अंदर एक छाते के अंदर लाना है। तो उसी पे काम चल रहा है अभी। बहुत सारी चीज़ें मैंने खोल दी हैं, लेकिन अभी मेरे को देखना है कि क्या क्या मेरे को एक्चुअल में काम करना है। तो उसी पे अभी चल रही है। और दूसरा, टाइम कम है काफ़ी, तो बीच में मस्ती नहीं कर सकते ज़्यादा। मतलब करनी तो है, लेकिन इसी में से टाइम काटना पड़ेगा। और ये सूदिंग म्यूजिक फोकस के लिए लगा रखा आपने? तो इसलिए लगा रखा ताकि हम कुछ गाना सुन के कुछ सर्च ना कर जाए, गाने के लिरिक्स सुन के। तो इसलिए हमने कहा कि लिरिक्स हटा दी जाए इनके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम जैसे पेपर देखा तो ऐसा लगा कि जैसे इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। पेपर जैसे करने आए तभी हमें पता चला कि जैसे हमने एक क्वेश्चन करा और हमने कहा कि चलो पढ़ लेते कि पहले क्या आंसर था, तो पीछे तो जाने का ऑप्शन था ही नहीं। यानी कि जो आप एक बार कर दीजिए वही आपका सत्य हो जाएगा। स्किप करने का ऑप्शन नहीं था, स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं था, आपको आगे करके बढ़ना था, नेगेटिव नहीं थी इसकी वजह। ठीक है। तो इससे जो भी मान लीजिए कि डेटा इंटरप्रिटेशन के तीन तीन या चार चार जुड़े हुए क्वेश्चन थे, तीसरे क्वेश्चन तक आपको समझ आ रहा था कि अच्छा मैंने शायद वहाँ पर कुछ गलत कर दिया, या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफाइन करना हो कि ये चीज़ ये बेटर इसको करती है। अब जब अगले क्वेश्चन में आता तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली उसका तो वो हो सकता था। तब तो गाड़ी चली जाती। तो इसे कह सकते हैं कि हमने हक दिया है बहुत बुरी तरह से। और जब मैं कोडिंग में पहुंचा तो कोडिंग के बाद मेरे को कुछ याद नहीं आया। बाकी कोडिंग तो इतनी इजी थी कि क्वांट से इजी थी, मैं सही कहूँगा क्वांट से इजी थी कोडिंग। उसमें शायद मैंने एक दो जगह पर कुछ मतलब सिंटेक्स की गड़बड़ी हो गई थी। अच्छा। और कंपाइलेशन एरर आया, पर मैं थक चुका था और मैंने देखा बाटला जारी, तो मैंने कहा चलो चलो। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, 20 मिनट पहले छोड़ के आ गया आराम से। क्वांट पे कितना करा तुमने? वो सब तो सही करे, बस यही क्वेश्चन है जो जहाँ पर आगे गड़बड़ी में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया। क्वांट में गलती नहीं हुई, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में इसकी गलती हुई जो रिलेटेड क्वेश्चन है। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ। बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है किस चीज़ की? ये तैयारी तो एकदम पूरी है, इस बार यूपीएससी निकाल के आएंगे। ओके। पढ़ ली है सारी कॉन्ट।